नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक इटूटो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो बेसिक सिंबल रहते हैं, जो जनरली यूज किए जाते हैं, वह कौन कौन से होते हैं, किस टाइप सिंबल रहता है और किस सिंबल को क्या बोला जाता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। ये सभी बेसिक सिंबल्स की वीडियो के अंदर हम सभी ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो कि है अशोक इटूटो यूट्यूब चैनल, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने वाला आपको देखेगा बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो ये स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखने वाले हैं बेसिक सिंबल्स कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर, जो जनरली इलेक्ट्रिसिटी में यूज किए जाते हैं। दोस्तों वैसे सिंबल तो कई सारे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, कई सारे सिंबल्स हैं, उनकी काफी सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बेसिक सिंबल जनरली यूज किए जाते हैं उसके बारे में मैंने कुछ सिंबल्स का समावेश यहाँ पे किया है और मैंने इस वीडियो बोर्ड पर उनको सिंबल्स को सारे को राइट डाउन किया है, ड्रॉ किया है। तो समझ लेते हैं ये सिंबल कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सिंबल है हमारे पास यहाँ पे वो मैंने लिया है सबसे पहले सेल। सेल यदि आपका रहेगा तो उसका सिंबल आपको देखने को ऐसा मिलेगा। अब इसका कैसे देखेगा, इसमें आप देखें आपकी जो दो आपके जो टर्मिनल हैं, एक लॉन्ग टर्मिनल रहेगा एक स्मॉल रहेगा, तो इसको हम सेल से डिनोट करेंगे, बैटरी से डिनोट करेंगे। बट बैटरी के लिए बात करें तो बैटरी में इस तरीके से आपका एक लॉन्ग टर्मिनल फिर स्मॉल फिर लॉन्ग टर्मिनल फिर स्मॉल, और इस तरीके का ये रहेगा आपका बैटरी का। तो बैटरी और सेल में ये डिफरेंस रहता है। बैटरी मतलब कि हाई वोल्टेज जो रहता है, ज़्यादा वोल्ट की बैटरी रहती है आपकी 12 वोल्ट 24 वोल्ट तो उस टाइप का, और सेल आपका जो 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट है उस सेल को हम डिनोट करते हैं सिंबल से। क्लियर? तो बैटरी और सेल में आप देख लें, वैसे कैपेसिटेंस का भी होता है, ये दोनों जब टर्मिनल सेम हो जाए तो कैपेसिटेंस बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है एक लॉन्ग टर्मिनल रहेगा और एक स्मॉल रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे सेल। ठीक है, थर्ड आपका मैंने यहाँ समावेश किया है एसी। जनरली सिंगल फेज थ्री फेज हम जो एसी घरों में सप्लाई यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो एसी का सिंबल क्या होता है वो हमको देखना जरूरी है। तो एसी वोल्टेज की बात करें तो इस तरीके से आपका सर्कल होगा, उसके अंदर एसी का सिंबल रहेगा। अल्टरनेट जो करंट चलती है, एसी मतलब अल्टरनेट रन करती है, चलती है, तो हम अल्टरनेट का एक सिंबल यहाँ पर ले लेते हैं सर्कल के अंदर, तो ये एसी सिंबल है। ठीक है, इसके बाद एसी करंट की बात करें तो गोल बना के इसमें एरो दे देते हैं अपवर्ड या ये फिर हो सकता है डाउनवर्ड। ठीक है, ये दिखाता है करंट की डायरेक्शन, लेकिन ये है एसी करंट का सिंबल। नेक्स्ट एसी एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर बात करें मतलब जो करंट को मेजरमेंट करने में एम्पियर मीटर का यूज करते हैं उसको बोलते हैं एम्पियर मीटर, और इसका सिंबल है तो ये आपका बना रहेगा उसके अंदर अल्टरनेट का सिंबल बना रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एसी एम्पियर मीटर, मतलब एसी सप्लाई में करंट मेजरमेंट करने के लिए मीटर का यूज करते हैं उसको बोलते हैं एम्पियर मीटर। डीसी एम्पियर मीटर, डीसी आप सभी जानते हैं, डीसी करंट क्या रहती है आपकी, डायरेक्ट करंट रहती है, कोई अल्टरनेट रहता कोई साइकिल नहीं रहते, तो डीसी एम्पियर मीटर आप कराएगा ए बना के नीचे डायरेक्ट एक लाइन खींच दें तो वो हमारा डीसी एम्पियर मीटर बन जाएगा। ठीक है, एसी वोल्टेज की बात करें तो अल्टरनेट बना दें और वी लिख दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका एसी वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो ये सिंबल आपका वो एसी वोल्ट मीटर का। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, नहीं करना है आपको जहां भी ड्रा करना है इस तरीके से आपको करना है। आगे देख लेते हैं कुछ और है हमारे पास। एट नंबर हमने दिया है डीसी वोल्ट मीटर। अब वोल्टेज तो मेयर करना ही होगा चाहे एसी हो या डीसी। अब डीसी वोल्टेज मेयर करना है तो डीसी वोल्ट मीटर लगेगा, एसी मेयर करना है तो एसी लगेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज बना के नीचे लाइन खींच दें तो ये बन जाएगा हमारा डीसी वोल्ट मीटर। इसके बाद करें एसी मोटर। एसी मोटर आपकी सिंगल फेस होती है, थ्री फेस होती है, इंडक्शन होती है, ये सिंक्रोनस मोटर होती है, सारी एसी रहती है, लेकिन उनका सिंबल क्या होता है तो वो देखना पड़ेगा। सर्कल बना के एम बना के नीचे अल्टरनेट का सिंबल बना दें तो वो हमारा बन जाता है एसी मोटर का सिंबल। नेक्स्ट हम बात करें डीसी मोटर भी हमारी रहती है, हमने पढ़ा डीसी मोटर रहता है, डीसी जनरेटर रहता है, तो सिम क्या एम बना के इस तरीके से इसके ब्रश शो कर दें, इसमें ब्रशेस रहते हैं। ठीक है, डीसी मोटर में चूंकि इसके अंदर आपका आर्मेचर रहता है, ठीक है, आर्मेचर भी वायरिंग की जाती है ब्रशेस के थ्रू, उसमें कम्यूटेटर ब्रशेस थ्रू आर्मेचर सप्लाई जाती है, इसका इसको शो करते हैं इस तरीके से, ये दो साइड में लगे हैं ये ब्रश रहते हैं इसके, तो ये हमारा डीसी मोटर का सिंबल हो जाता है। एसी में डायरेक्ट सप्लाई कनेक्ट करते हैं इसलिए एसी सिंबल ऐसा है। ठीक है, ये आपका अर्थ ग्राउंडिंग घर में यूज करते हैं, अर्थ की यूज करते हैं, तो अर्थ में क्या है आपका एक ये आपका ग्राउंडिंग का सिंबल आपका है, इस तरीके से आपको शो करना है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी आपकी सप्लाई, आपकी ए सप्लाई है, थ्री फेस है, ए सप्लाई हमेशा फ्रीक्वेंसी रहती है, इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किस कहते हैं, एक साइकिल में आपकी जो साइकिल ए सप्लाई जितने साइकिल कंप्लीट करती है, यानी कि इंडिया में 50 कंप्लीट करती है एक सेकंड में, तो एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ए सप्लाई की रहती है 50 हर्ट्ज
और हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी मीटर का यूज करते हैं फ्रिक्वेंसी मीटर, और फ्रिक्वेंसी मीटर का सिंबल यहाँ पर दिखाएंगे हम एच जेड से शो करते हैं। इसके बाद हमने देखा था इससे पहले कई पढ़ा स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन, जनरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है उसमें आपके स्टार एंड डेल्टा फॉर्म में कनेक्शन रहते हैं, या फिर जो मोटर रहती है आपकी उसमें भी स्टार डेल्टा का कनेक्शन रहता है, स्टार्टर रहता है स्टार डेल्टा, तो वहाँ पर ये कनेक्शन सिम्बॉल हम यूज करते हैं हमको देखने को मिल जाएगा। तो स्टार मतलब स्टार के फॉर्म बना दें स्टार कनेक्शन, और डेल्टा ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया, ठीक है। एसी मोटर में ये जनरली कनेक्शन में यूज करते हैं इनका, ठीक है। इसके बाद कुछ और है यहाँ पे ट्रांसफार्मर आ गया हमारा 14 नंबर पे हमने रखा है ट्रांसफार्मर। आप देखें ट्रांसफार्मर क्या रहती है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग रहती है और सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है, ठीक है। बीच में रहता है आपका कोर जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, तो इस टाइप का आपको देखने को मिल जाए, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपके स्टेप अप एंड स्टेप डाउन रहते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, कई सारी ट्रांसफार्मर रहते हैं, लेकिन सिंबल उसको आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें ओम मीटर, ओम मीटर का यूज क्या करते हैं, ओम का मीटर जनरली रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने में यूज करते हैं, और ओम का सिंबल गोल सर्कल बना के बना दिया जाए तो इसको बोलते हैं हम ओम मीटर। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जनरली क्या लगता है, गैल्वेनोमीटर जनरली आपका जो है व्हीटस्टोन ब्रिज रहता है उस वहाँ पे आपको नल कंडीशन शो करने के लिए, डिफ्लेक्शन शो करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, इसका सिंबल गोल सर्कल बना के जी बना दें तो वो आपका बन जाता है गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट बात करें फ्यूज की, फ्यूज जनरली यूज करते थे अभी भी करते हैं कुछ जगह पे, लेकिन फ्यूज ने रिप्लेस एमसीबी ने रिप्लेस कर दिया फ्यूज को। फ्यूज की जनरली हम घरों में आजकल एमसीबी करते हैं, मिनीचर सर्किट बोर्ड जो हम बोलते हैं ब्रेकर बोलते हैं, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, लेकिन फिर भी फ्यूज का सिंबल यदि हमको पता होना चाहिए तो इस तरीके का आपका फ्यूज का सिंबल होता है। रेजिस्टेंस की बात करें रेस्टर की, तो रेस्टर का सिंबल आपका जो इस तरीके का है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका रेस्टर का सिंबल है, इस तरीके से बना दें आप, और इसमें रेस्टर में आपका जो है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, आप किधर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें पोलरिटी नहीं रहती रेजिस्टेंस के केस में। बात करें कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस आप देखें दो पैरेलल स्ट्रिप, दो पैरेलल पट्टी बिल्कुल बराबर इक्वल रहेंगी तो उसका सिंबल डिनोट करेगा कैपेसिटेंस का। बैटरी केस में हमने देखा था एक स्ट्रिप, एक टर्मिनल आपका बड़ा था एक स्मॉल था, वो हमारा सेल बन गया था, सेम टू सेम बैटरी बन गया था, लेकिन दोनों बराबर रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कैपेसिटेंस या कैपेसिटर का सिंबल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में बात कर रहे हैं, फॉल्ट तो हमेशा आता ही है, शॉर्ट सर्किट तो होता ही है, तो जहाँ पे फॉल्ट की बात की जाए, फॉल्ट का सिंबल देखा जाए, तो इस तरीके से आपका फॉल्ट का सिंबल रहेगा, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट लैंप, घरों में लैंप यूज करते हैं, लैंप का सिंबल आपको इस तरीके देखने को बनाने को मिलेगा। वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग का आप देखें इस तरीके से कैसे, जैसे मान लीजिए आपके एक वायर जा रहा है उसके ऊपर से आपको वायर लाना है ऐसे, तो ये रॉन्ग तरीका है वायर क्रॉसिंग दिखाने का, इससे ये क्लियर नहीं होता है कि वायर टच है या ऊपर से जा रहा है जंप करके जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, वायर क्रॉसिंग की दिखाना है तो एक लाइन लाएंगे यूं करके यूं खींच देंगे तो ये प्रॉपर सिंबल बन जाता है, इससे ये प्रूव होता है कि एक वायर नीचे जा रहा है दूसरा वायर ऊपर से जा रहा है, मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, कोई टचिंग या ज्वाइंट नहीं है। यदि हम ऐसा दिखा देंगे तो ये भी हो सकता है ये ज्वाइंट हो, तो वायर क्रॉसिंग का सिंबल आपको इस तरीके से दिखाना है, क्लियर। इसके बाद कुछ और सिंबल है हमारे पास, 22 नंबर हमने दिखा है, देखिए आप सिंगल पोल स्विच, स्विच रहती है हमारे जो हमारे एक्सटेंशन बोर्ड रहता है उसमें सिंगल पोल पोल रहता है, डबल पोल भी रहता है और थ्री पोल भी स्विच रहते हैं, तो सिंगल पोल स्विच का सिंपल इस तरीके से डायरेक्ट इसको ऑन ऑफ करेंगे, ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट होता रहता है। इसके बाद यहाँ पे एक और लिखा हमने थ्री पोल सिंबल, इसमें देखें आर वाई वी, यदि वायर हमारे हैं आर वाई वी फेस आते हैं तो उनको कनेक्ट करना है आर वाई वी से, तो इस तरीके से रहता है ये एक साथ स्विच से ऑन ऑफ होती रहती है, ये आपका थ्री पोल स्विच हो गया। इसके बाद टू वे स्विच बात करें तो टू वे स्विच आपका इस तरीके से रहेगा, आप देखें इसमें ये टू वे स्विच है, एक सप्लाई आपकी यहाँ पे इन रहेगी, ठीक है, और आउट आप करना है तो ये आपका आपको जाएगा आउट वन और ये आउट टू, आपको इधर ऑन करेंगे इधर सप्लाई चली जाएगी, इधर ऑन करेंगे इधर सप्लाई चली जाएगी, इसको बोलते हैं टू वे स्विच। इसके अलावा भी कई सारे सिंबल्स रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो जनरली यूज होते हैं, बट मैंने कुछ सेलेक्टेड जो जनरली हम देखने को मिलते हैं यूज करते हैं उनका मैंने समावेश किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इलेक्ट्रिसिटी सिंबल से रिलेटेड वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी, आपको एक हेल्प मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी सिंबल से रिलेटेड। यदि आपको इस वीडियो में बताए गए सिंबल से रिलेटेड वीडियोस आपको पसंद आए, अच्छी लगे जानकारी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप चाहते हैं कि और भी इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी या नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे अशोक ईट्यूब यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद आपको देखेगा बेल आइकन जो कि नोटिफिकेशन का बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो आपके सारे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे हमारे चैनल के, उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा जब भी हम इस चैनल पर अगली वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं स्टॉप करेंगे, मिलते रहेंगे इसी प्रकार की नेक्स्ट एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।